मान लेते हैं अगर कोई इंसान है, अगर कोई भी व्यक्ति है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके पास अपना मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल उस बाइक को अपने साथ ऐसे लेकर के वॉक कर रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या वो जल्दी पहुंच पाएगा एक जगह से दूसरी जगह? वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज कर रहा है? नहीं, उसको नॉर्मली जो पैदल चल के अपने पांव पे चल के जितना टाइम लगेगा उससे भी हो सकता है ज्यादा टाइम लगे। वैसे ही अगर उसके पास साइकिल है, कार है, या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड का उसके पास टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, साधन है, अगर कार को वो धक्का मारते हुए जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, नहीं पहुंच पाएगा जल्दी। तो अगर कोई बाइक ले रहा है और धक्का मार रहा है या साथ में ऐसे लेकर के चल रहा है, इसका मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या तो उसका टायर पंक्चर है या उसमें कोई मैकेनिकल गड़बड़ी है, तभी वो ऐसा कर रहा है। आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा ही हो रहा है। टेक्नोलॉजी तो आ गई, एजुकेशन में एडटेक तो आ गया, लोग डिजिटल बोर्ड लगा रहे हैं, स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, स्मार्ट क्लास इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, बट उसका प्रॉपर वो यूज नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर यूज नहीं होने के कारण उनकी जो स्पीड है या तो वही है पढ़ाने की, या जो नॉलेज डिलीवर्ड पावर है समझाने का, जो चीजें हैं या तो वही है ट्रेडिशनल की तरह या उससे भी स्लो हो गया है। तो इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए इसको आप सही से यूज करें डिजिटल बोर्ड को, कि ताकि बच्चों को भी बहुत फायदा हो और टीचर्स को भी बहुत। तो इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है वो है कंटेंट। अगर आप स्मार्ट क्लास की बात करते हैं, स्मार्ट बोर्ड लगाया है, डिजिटल बोर्ड लगाया है, अगर आप उस पर कॉन्टेंट मतलब कि वीडियो के फॉर्मेट में, इमेज के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में, अगर इस पे कॉन्टेंट यूज नहीं कर रहे हैं और ट्रेडिशनल क्लास की तरह ही क्लास ले रहे हैं, तो वो आपका स्मार्ट क्लास का कोई खास एडवांटेज नहीं होगा। वो ट्रेडिशनल क्लासेस की तरह ही आप नॉर्मली हर चीज को राइटिंग कर रहे हैं और लिख रहे हैं, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो ये वैसे ही बात हो गया जैसे बाइक लेकर के हम धक्का मार रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि कंटेंट यूज करना, जैसे उसमें टायर पंक्चर हो गया इसलिए वो धक्का मार रहे हैं, वैसे ही अगर आप कंटेंट यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब पंक्चर सिस्टम को भी आप भी यूज कर रहे हैं, तो कंटेंट आप यूज कीजिए। अगर जिन किसी के पास डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हो, कंटेंट नहीं है, कंटेंट लीजिए जहां से भी आपने लिया है। नहीं है, हमारे यहाँ नंबर फ्लैश कर रहा है, आप हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको कंटेंट मिलेगा, स्टैंडर्ड कंटेंट मिलेगा। अगर बात करते हैं, अभी हम लोग केजी टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोर्स है, हमारे पास कॉन्टेंट है जिसको कि अभी हम लोग दिखा रहे हैं, आप उसको यूज करेंगे तो वो आपके लिए कैसा बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे अभी हमने ओपन किया है, अब आपको बताएं कि ये कंटेंट में इंटरैक्टिव ईबुक है, एक्सपेरिमेंट्स है, फुल्ली सॉल्वड एनसीईआरटी है, रियल लाइफ वीडियो है। अगर पहले हम लोग अगर इस पे आते हैं, कोई भी एक चैप्टर हम लोग ले लेते हैं, फाइबर टू फैब्रिक। अगर फाइबर टू फैब्रिक गए इंटरैक्टिव ईबुक में अगर हम लोग जाते हैं, तो लाइक इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक नेचर फाइबर का हमने एक वीडियो रन कर दिया, इस तरीके से हमारा वीडियो प्ले होगा। ये अलग अलग लैंग्वेज में भी हम लोग प्ले कर सकते हैं। एंड यू नो दैट वी यूज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स इन आवर डे टू डे लाइफ, बी इट इन द फॉर्म ऑफ क्लोथिंग, एज वेयर फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर फॉर स्पन टू फॉर्म yarn, and yarns are woven or knitted together to form fabric. इसी तरीके से जो है, अगर हम लोग बात करते हैं, डिफरेंट वीडियोज है, फैब्रिक टू यॉर्न, मोर अबाउट द फैब्रिक टू यॉर्न, टेक्सचर एंड फाइबर्स, नेचर नेचुरल फाइबर, तो ये हम लोग अलग अलग उसको देख सकते हैं, बच्चों को यहाँ से रियल टाइम कॉम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जैसे ये चल रहा है रियल टाइम, हम लोग इसको डिलीवर्ड भी कर सकते हैं, इस पे एनोटेशंस भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बैक में जाते हैं, इस पे आते हैं, तो क्विजेज भी है, इसमें क्विजेज भी मिलता है, वर्कशीट भी मिलता है, क्वेश्चन आंसर्स भी मिलते हैं आपको करने के लिए। तो इस तरीके से कंटेंट डिजाइन है
और चीजें आपको दिखता है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे अभी देख रहे हैं, ये हमने चेक किया, हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसमें एक आंसर सही है, बाकी सारे गलत है, इस तरीके से हम लोग को वो देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है बैक जाते हैं, क्वेश्चन आंसर है, हमने क्वेश्चन आंसर पे क्लिक किया और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन और ऑप्शंस आ रहा है, इसको भी हम लोग वन बाय वन अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एनोटेशंस भी कर सकते हैं अगर चाहें कि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आंसर है और इसके साथ साथ हम लोग इस पे एनोटेशन करें तो एनोटेशन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी लिखे और इरेज आप करना चाहें तो इस तरीके से आप एनोटेशंस भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे कंटेंट की जो आपका पीडीएफ के फॉर्मेट में है, बुक के फॉर्मेट में है, जो इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने कंटेंट के साथ। नीचे जैसे एनसीईआरटी बुक आ रहा था या फुली सॉल्वड एनसीईआरटी, अगर ये आ रहा है, एक्सपेरिमेंट आ रहा है, अगर यहां से हम लोग जा रहे हैं तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ रहा है, आप देख रहे हैं, इसको भी हम लोग रियल टाइम यहाँ पे ऐसे यूज क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। फिर हम लोग बैक गए और इंटरेक्टिव ई बुक पे आते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर हम लोग चैप्टर पे जाते हैं और यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है, ये एनसीईआरटी जो बुक है, ये चैप्टर, ये है पीडीएफ के फॉर्मेट में, ये आप देख रहे हैं ऐसे, ये पीडीएफ के फॉर्मेट में है, इसमें इमेजेस और टेक्स्ट यूज है, स्क्रॉल करते जाइए, राइटिंग अगर यहाँ पे भी हमें कहीं भी किसी भी पोर्शन में करना है हम लोग यहाँ से राइटिंग भी कर सकते हैं इस पे और इसको हम लोग डिलीवर भी कर सकते हैं। इसके साथ जो है हम जब पढ़ाते हैं तो फास्ट हो जाते हैं, लोगों को पिक्चर्स मोड में विजुअल फॉर्मेट में देखने को ये मिलता है, इससे क्या है कि स्टूडेंट टीचर का टाइम भी बचता है, टीचर्स की एनर्जी जो बचती है वो समझाने में ज़्यादा से ज़्यादा जाती है। और ये जो है मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कौन सी क्लास तक का आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था केजी टू 12, तो यहाँ से हम लोग आते हैं ये चेंज क्लासेस पे, तो ये देखिए एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी, फर्स्ट से लेकर के 11th 12th तक है, सारा कंटेंट मिलता है इसमें, एक्सपेरिमेंट से लेकर के सारे सब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड भी। फॉर एग्जांपल अभी जैसे इसमें हम लोग गए और इसको सबमिट करके हमने सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें, साइंस अगर लेना है, मैंने साइंस यहाँ से सेलेक्ट किया, स्टडी पे आए और यहाँ से हमने साइंस लिया, तो ये हमारा आप देख रहे होंगे साइंस आ गया, जो हमने वहां से क्लास सेलेक्ट किया था और यहाँ से सेलेक्ट किया हमने, तो ये बोर्ड, डिफरेंट बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स भी आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड भी आ रहा है और आईसीएसई बोर्ड भी आ रहा है और साथ ही साथ सारे स्टेट बोर्ड भी आ रहे हैं। और कोई भी पार्टिकुलर अगर बोर्ड में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर वाला हमने यूज किया तो इसमें डिफॉल्ट बोर्ड स्टेट बोर्ड में सिलेक्ट हो रहा है, अगर यही हम लोग सीबीएसई में जा रहे हैं तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट भी है, अमेजिंग साइंस, साइंस हमने ओपन किया था ऑक्सफोर्ड का साइंस, एंड हिंदी डिफॉल्ट भी है। इस तरीके से कोई और हम बोर्ड अगर सिलेक्ट कर लेते हैं लाइक आईसीएससी का करते हैं, तो इसमें हमारा एवरग्रीन पब्लिकेशंस का है, सेलिना का है, रतन सागर का है और डिफॉल्ट है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक्स, कॉन्टेंट, एक्सपेरिमेंट्स, वीडियोज, ये सारे कुछ मिल जाते हैं। अगर ऐसे आप भी पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाना ही चाहिए आपको, ऐसे कंटेंट लीजिए, हमारे यहाँ एक बार क्वेरीज कीजिए, बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट पे मिलेगा। ये तो बात हुआ केजी टू 12th की, अगर कोई आईआईटी जी की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग का कर रहा है, कोई मेडिकल का कर रहा है, कोई सीए का कर रहा है, या बहुत सारे ऐसे जो कोर्सेस हैं जिनका कर रहा है, अगर उसके बारे में कोई एक चैप्टर का नाम ले लीजिए, अगर उस चैप्टर के बारे में कंटेंट बनाना है, पीडीएफ बनाना है और उस पर पढ़ाना है उसको, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो बहुत सारे टीचर इससे कतराते हैं, वो नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनको बहुत जगह से बहुत टाइम करना है, उसको बनाना एक लेंदी टास्क होता है, तो वो पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, सोचते हैं मुझे आता है मैं खुद पढ़ा लूंगा, उसके कारण वो बहुत स्लो हो जाते हैं। लेकिन आप अगर आप इस तरीके से पढ़ाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इसको हाइब्रिड मॉडल पे, हाइब्रिड क्लास पे पढ़ाइए, आप ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, इसको ऑनलाइन भी कीजिए, आप अपने एप्लीकेशन पे डालिए, सारा सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा।
पीडीएफ बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे यहाँ एआई बेस्ट सॉल्यूशन से हमारे बोर्ड में भी है, ये हमारे यहाँ से आपको ट्रेंड किया जाएगा। जब आप हमारे यहाँ से कंसल्टेंसी लेते हैं, जब हमारे यहाँ से एसोसिएट करते हैं, आप एक बार जोड़ करके देखिए, पीडीएफ किसी भी चैप्टर का आपको 5 से 10 मिनट में उस चैप्टर का एक स्टैंडर्ड बना के विद पिक्चर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है। 10 मिनट में अगर आपको टेस्ट करना है, हमारे यहाँ कॉल कीजिए, कोई एक रैंडम चैप्टर का नाम बताइए, देखिए उसको जनरेट करके हमारे यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसको सिर्फ हमारे यहाँ से प्रोवाइड ही नहीं किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपकी टीम को ट्रेंड किया जाएगा कि कैसे इस चीजों को कर सकते हैं। एक बार कॉल कीजिए, पता कीजिए, ऐसे आप भी पढ़ाइए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।